दोस्तों जय हिंद, आप देख रहे हैं राउडी व्लॉग। और आज मैंने ये पहनी है शर्ट, काफी पहले सिलवाई थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। और आज जो मैं जा रहा हूँ आपके लिए, खुशखबरी है, बहुत सारे लोग भी वेट कर रहे थे कि मैं कब मिलूंगा, कब जय वीरू एक साथ होंगे। तो जी हाँ, आज मैं राजवीर सिसोदिया के घर जा रहा हूँ और बहुत मुश्किल से टाइम निकाला, लेकिन मेरी जान है वो। और हम हर सिचुएशन में अपने भाई के साथ हैं, थे और रहेंगे। अभी हम चलेंगे उसके घर। तो भैया हम चल दिए हैं गाजियाबाद की तरफ और हम फेरी फेरल से आए, बहुत ही जानदार और मजेदार गड्ढे थे। तो शूट नहीं किया है और पहले काफी बार दिखा चुका हूँ, मतलब फायदा भी नहीं है। और अभी लगेगी हमें कम से कम 30 से 40 मिनट और। भाई से मिलते हैं, बातें करते हैं और आपको दिखाते हैं। और वो बड़ा खुश मिजाज है और मैं रात को ही फोन कर दिया था कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो बड़ा खुश है। अभी मैसेज आया था, कहाँ पहुंचे भैया? Yes. I am big fan of राजवीर भैया। हाँ जी। तो इतने दिन से कहाँ थे? भैया मैं उनकी वेट कर रहा था, घर के बाहर रोज आता है। यो। ठीक हो? कॉपी दे दे तुझे बहुत दिन हो गए। काल की क्यों ले रहे हो फिर? काल की लूं। और बताओ ठीक हो? क्या हाल है भाई, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। और मेरे को मिलना था, ठीक हो? पेट कम है ना क्या? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कम और बढ़ा लूंगा। ये तो भूखे रह रहे गए इतना, तो 25-30 दिन खाना खा लूंगा तो क्या होगा? तेरे प्यार में मैं फर्स्ट नहीं बोला। राजवीर भैया आपकी ये स्किन का राज अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है। कुछ पूछ भी लिया, साउथ का हीरो लग रहा हूँ, विलन लग रहा हूँ, विलन लग रहा हूँ। क्योंकि हमारी दोनों की शक्ल जो है ना, मैंने बता कि ऊपर एक लड़के का कमेंट आया कि भाई हमें हमारे राजवीर भाई चाहिए, साउथ इंडियन मूवीज का विलन नहीं चाहिए। इतने खतरनाक तेरे बाल लग रहे हैं। मैंने सबसे पहले क्या बोली तुझे बालों के बारे में, बाल क्यों कटा लिए? लेकिन ये अपने लुक में ही आना चाहता है, जैसे इसको पब्लिक प्यार करती है। पब्लिक प्यार करती है वैसे। तो मुझे पर्सनली वो बाल बहुत बढ़िया लग रहे थे, लेकिन उसमें टच आ रहा था प्रॉपर साउथ इंडियन विलन का। रूबल भाई ने साउथ इंडियन मूवी कर ली, मैंने ध्यान देखा बॉडी तो ना इसकी, रवि तेजा। मैंने कहा बाहर जाके भाई को बताऊंगा, भाई आप उसकी तरह लगते हो। तूने कहां देखी? जेल में। फिल्म भी दिखाओ, पूरा एंजॉय लेके आ रहा है। अरे पूरा वजन ना बता रहा। देखो एक बात तुम्हें बता दूं, जिस जो जो लोग अगेंस्ट खड़े थे उस टाइम पे जब ये अंदर गया था, अगेंस्ट कौन खड़ा? तुम्हारा पिल्ला ही खड़ा था, जो भी खड़ा था, जो जो भी खड़ा था, जो भी लोग उस टाइम पे डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे मेरी, इसकी, राजवीर की फैमिली की, मेरी फैमिली की, कि कहां है तेरा जय वीरू, कहां है ये, वो गाने पे इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट थे पहले। अच्छा जी। उसमें इतने नेगेटिव कमेंट आए कि मुझे वो कमेंट रोकने पड़ गए उस पोस्ट टाइम पे। अच्छा जी। उनको जय तो गया, क्या वो गाने में डायलॉग नहीं डाला काम ने कि इसमें से जय को मार दो वीरू तो बड़ा मर जाए। हां उनको एक तो गया एक की बारी है। अच्छा जी। इतने आराम घोर है। तो भाई पहली बात तो फॉल्स एलिगेशन किसी पे भी लग सकता है, मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बोला, मेरे पे भी लग सकता है, आप पे भी लग सकता है, आपके किसी रिलेटिव पे भी लग सकता है। ऐसे आंख बंद करके विश्वास मत किया करो जब तक दोष साबित ना हो। और इस बंदे को जितना मैं जानता हूँ शायद आप जानते भी नहीं हो। और ये दिल का इतना साफ है ना, और जो दिल का साफ होता है और मुंह से कुछ भी बोलता है, मतलब जो उसके मन में आया बोल दिया, सोचता नहीं है, उन लोगों के साथ ही लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल ये खुद अपने चैनल पे देखा, मैं नहीं दूंगा, है कि नहीं? वो वेट करो, बहुत जल्द आएगी। अरे राजवीर तेरे लिए भाई कलाकंद लाया, कलाकंद भाई इतना प्यार। ऐसे लग रहे राजवीर के, तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये बॉडी कैसे करके मानोगे ये बताओ? पहले मुझे लगे कर आई क्यों इतने जिम जा रहे हैं डेली, जिम में आप पता चली, फिर राजवीर ने बताया कि भैया फॉर्म में आ रहे हैं। फॉर्म में आ रहे हैं। सबसे बड़ा फैन है उनका, ये साहिल भाई का फैन। साहिल भाई का फैन है, बोल दे कुछ साहिल भाई के लिए। आई लव यू साहिल सर।
तो ये है भैया स्टूडियो एंड ऑफिस राजवीर। ऑफिस नहीं है, मेरे भाइयों के लिए रूम है। भाइयों के लिए वो रूम है, जो भी सब्सक्राइबर इनके आते हैं यहाँ बैठो। कंप्लीट अभी पूरा होगा। मैं पिछली बार भी आया जब भी इनकम्प्लीट था, पर तू अभी बाहर रहा है, तू चला गया। खलनायक जब 16 साल का था, खलनायक देख ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाया हुआ, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये वही सोफे हैं? हां ये वही है, ये वही है। इल्जाम लगा रहे थे, इल्जाम जितने लगे झूठे लगे, इल्जाम जितने लगे झूठे लगे। सुमन भाई कह रहे थे पागल बना रहा हूँ सोफे, मैंने नीचे डाल लिए। देखो ये सोफे, ये यही है, यही है। और ये वही है रिंग लाइट जिसे तेरा वेस सबका है। वही है, वही है, वही है। पानी भी वही है जो तेरी चुगली कर रहा है भैया। हमें अड्डे में लेके जा रहे हैं, कुछ पहलवान जी वहाँ वेट कर रहे हैं। चला भैया, पहलवान थोड़ा याद कर रहे थे। क्या कह रहे? पहलवान कह रहे गूगल भाई को लेके आओ, आज तो मंगलवार है तो खिला नहीं पाएंगे। कल मैं कढ़ाई में, कल तो खा रहा था कढ़ाई में। हाँ तो चिकन तो खिलवा नहीं पाऊंगा, बादाम की लस्सी पी का है। पहलवानों के हाथ की क्या पढ़ के आए हो? मैथ्स। यार बहुत कमजोर था अपना भी। गेट खोल दे, निकल जाएगी समझे। तो भाई राजवीर ले आया हमें अखाड़े में, और भाइयों ने दिया है बादाम का, क्या कह रहे थे यार, बादाम का दूध शेक, बादाम लस्सी, कैटेगरी बादाम रगड़ा, कुंडी सोटे वाला, कुंडी सोटे वाला। पर ये अभी दीपक का लाल मुझे गाली नहीं पकड़ा, मैंने सोच कहा आज तक ये देख, ये लड़की को मैंने उसकी औकात दिखाई। औकात क्या है? अब मैं दिल्ली में आऊंगा और तेरी कुटाई करके वीडियो वायरल करूंगा। ये मैक्स भाई, मैक्स पहलवान, मैक्स पहलवान, पहलवान मैक्स। बहुत मजा आया, बहुत दिनों के बाद मिले, और जो अपनी बॉन्डिंग है, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं की, और जो दूसरे चैनल पे आएगी, जो उसके कुछ केस के उसने बारे में डिस्कस किया, वो इस चैनल पे नहीं डाल रहा, इस पे सिर्फ व्लॉग है, वो आएगा रूबल धनगढ़ पे, तो वहाँ पे डालेंगे, वहाँ पे जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।